मित्रों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय यादव आप सभी को पिछले वीडियो में रेखा कोण और बहुभुज से काफ़ी प्रश्न आपको बताया गया था, वहाँ से आप देखा होगा। फिर इसके बाद आपके सिलेबस को देखते हुए यूपी टेट एंड सी टेट का जो भी सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो आपने रेखा पढ़ा है, कोण पढ़ा है, बहुभुज पढ़ा है। फिर इसके बाद जब पढ़ना है तो हमें त्रिभुज भी आ जाता है, त्रिभुज से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग त्रिभुज के बारे में आज कुछ देखेंगे कि कैसे के कौन से कौन त्रिभुज होते हैं, किस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो हम लोग त्रिभुज पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज इसके परिभाषा के बारे में पहले हम लोग देखें, ट्रायंगल होता है इसका अंग्रेजी। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जैसा कि इसके चित्र से ही हमें परिभाषा मिल जाएगी, त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग, ए है, बी है, सी है। तो एक हम ऐसी आकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी तीन भुजाएं दिख रही हैं। तो जब तीन भुजाएं हैं तो उसका हम लोग पढ़ लें कि परिभाषा क्या होगी। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, यह समझने के लिए हमें त्रिभुज के चित्र में कि होता कैसा त्रिभुज का चित्र है, अगर हम यह जानते हैं तो बड़े ही आराम से परिभाषा को बता सकते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए इस फिगर में तीन ओर से घिरा हुआ है और जो आकृति तीन ओर से घिरी होगी उसे त्रिभुज कहते हैं। जहाँ पे इसका नाम क्या होगा त्रिभुज का, कि यह त्रिभुज ए बी सी है और यह तीन ओर से घिरा हुआ है तो इसे हम त्रिभुज कहेंगे। इसका नामकरण कैसे हम कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी भी कह सकते हैं, त्रिभुज बी सी ए भी कह सकते हैं, त्रिभुज सी ए बी भी कह सकते हैं। आप कहीं से भी नाम लेंगे हम इसका त्रिभुज कह सकते हैं। लेकिन हम आपको एक बता दें कि जब त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं तो साथ में अब हम कोण पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें कोण भी आ रहा है। तो किसी त्रिभुज में कितने कोण बन रहे हैं, देखिए यह बन रहा है और यह बन रहा है, थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री, यह तीन कोण बन रहे हैं। तो अगर आपसे अगर इस कोण के बारे में पूछा जाए कि कोण ए बताओ कितना होगा, तो इसका नाम जिस कोण के बारे में मुझे बताना होता है, जैसे हम बताएं कि हमें कोण ए के बारे को दर्शाना है तो उस कोण का नाम बीच में होना चाहिए, जो तीन लेटर होगा ए बी सी, तो जिस कोण के बारे में बताएंगे वह कोण बीच में होना चाहिए। जैसे अगर हम कोण यहाँ पे थीटा थ्री की बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ऐसे चलेंगे, ऐसे देखिएगा बी यहाँ से चलें बी, अब ए होगा, अब इसके बाद सी, तो कोण ए बी सी या कोण का निशान है और ए बी सी जो होगा तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे जो बीच में लेटर होता है, यहाँ पे ए बीच में लेटर है तो इसी कोण की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि तीन कोण है तो हम कैसे समझेंगे हम एक ही बात कर रहे हैं, तो जिसका मान यहाँ पे अगर जो बीच में होगा वही कोण की बात कर रहे हैं। अगर हम अगर इसकी बात करते हैं अगर एक ही, तो ऐसे भी लिख सकते थे हम कोण सी ए बी, जिस चाहे बी को पहले लिखें चाहे सी को पहले लिखें, लेकिन बी और सी के बीच में ए हमेशा बीच में होना चाहिए, तभी हम कोण ए की बात कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोण बी की बात करना है तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, अब देखिए बीच में बी है तो इसका मतलब है कि कोण बी की बात कर रहे हैं हम। अब इसके बाद अगर ऐसे लिख दें मैं कोण बी सी ए, तो यह बीच में अगर सी है तो हम जान जाएंगे कि हम थीटा टू की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है कोण। अभी कोण तो हम पढ़ चुके हैं, अब त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज का मतलब यह जान लीजिए कि जिसकी तीन भुजाएं अर्थात तीन ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांट सकते हैं, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, आधार पर, इसको कोणों के आधार पर बांट सकते हैं और एक बांट सकते हैं भुजाओं के आधार पर। हमने कोण इसीलिए पहले बता दिया था, भुजाओं के आधार पर, आधार पर हमने कोणों के आधार पर बांट के देखा और भुजाओं के आधार पर बांट के देखा। हमने त्रिभुज को दो भागों में बांट रखा है। अब कोण के आधार पर तीन प्रकार से त्रिभुज हमें पढ़ना है, यहाँ मैं बांटूंगा तो यह तीन प्रकार से त्रिभुज निकल के आएंगे। यह कौन कौन से त्रिभुज होंगे, एक हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जो न्यून कोण त्रिभुज है, या किसे कहते हैं अभी हम आपको बताते हैं। अब इसके बाद
दूसरा जो त्रिभुज होगा वह समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा जो हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे हमने देखा है कि कोणों के आधार पे तीन मैंने देखा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर देख लें तो भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। वह कौन कौन से त्रिभुज भुजाओं के आधार पर होते हैं तीन को हम लोग देख लेते हैं। पहला, इसके बाद तीसरा। पहला जो त्रिभुज बनेगा वह होता है समबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब यह जितने भी भुजाओं के आधार पर मैंने लिखा यहाँ पे दूसरा और इसके बाद तीसरा, यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ नंबरिंग पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा। अब क्रम से हम इसको देखें कि किसे कैसे डिफाइन करते हैं, किसकी परिभाषा क्या है। तो न्यून कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम देखें कि न्यून कोण त्रिभुज या किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण का मान अगर 90 अंश से नीचे हो तो उसको कह सकते हैं कि वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अर्थात यह न्यून कोण त्रिभुज कि जिसका मान 90 अंश से कम हो। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान अगर 90 अंश से कम होता है उसको कह सकते हैं कि यह न्यून कोण त्रिभुज है। और यह बनेगा कैसे, जैसे इसको अगर बनाना हो तो आप बना लीजिए इसे ABC। देखिए किसी भी कोण का मान यहाँ पे हो रहा है, न्यून कोण त्रिभुज हो रहा है। तो जिसका प्रत्येक कोणों का मान, या देखिए यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज के जिसके कोणों का मान 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका एक कोण समकोण हो। देखिए यह वाला यहाँ पे भी क्या है, यह समकोण है। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, यह अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो, कि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात ऐसा तीन ओर से घिरी हुई आकृति कि जिसमें तीनों भुजाएं समान हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्विबाहु माने दो। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम माने विभिन्न होता है, असमान, जिसकी भुजाएं सभी असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हमने आपको जनरल एक परिभाषा बताया कि कितने प्रकार के त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं, जिसमें आपको परीक्षाओं में अक्सर समकोण त्रिभुज के बारे में पूछ लिया जाता है और इन तीनों से जो है सवाल पूछे जाते हैं। इससे नहीं पूछा जाता है अधिक कोण और न्यून कोण से। समकोण को आपको बताएंगे, आपको समबाहु बताएंगे, समद्विबाहु और विषमबाहु के बारे में हम बताएंगे। तो इसके बाद हम यह परीक्षाओं में देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा आप लोग। तो अगर हम देखें कि परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि त्रिभुज कैसे संभव है, तो आपको मैं बताता हूँ, पिछली बार परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका था कि क्या आपको अंक दे देगा, दो तीन भुजाओं की नंबरिंग कर देगा और पूछेगा कि क्या त्रिभुज संभव है, तो आपको बताना पड़ेगा कि त्रिभुज संभव है कि नहीं। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसका नोट, नोट है कि त्रिभुज कब संभव होगा, इसके लिए मैं नोट लिख दे रहा हूँ
और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के बड़ी भुजा, त्रिभुज के बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजा के योगफल से कम होना चाहिए। आपने देखा मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, आपसे प्रश्न कैसे करेगा, यह दे देगा आपको 8 और 10 कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8, 10 हैं, 5, 3, 12 हैं, तो ज्ञात कीजिए कि किस कौन सा त्रिभुज संभव बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। इसको आप चेक करेंगे कि बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो 6, 8 और 10, तो इसमें मैंने बताया कि कैसे आप समझ पाएंगे, अभी समकोण बताते हैं आपको, तो कैसे समझ पाएंगे कि यह त्रिभुज संभव है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया, परिभाषा देख लीजिएगा कि त्रिभुज के बड़ी भुजा का मान, त्रिभुज की जुड़िए बड़ी भुजा 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 लिखा। बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजा 6, 8 के योगफल से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजा की योगफल क्या होगा, 6 + 8, तो इससे यह जो है बड़ी भुजा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 8, 6 कितना हो जाता है, 14। तो देख रहे हैं कि 14 से 10 कम है, तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। और आप जानते भी होंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यह 6 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, तो यह 10 होगा। यह आप जान चुके हैं, यह आगे आपको बताएंगे कि पाइथागोरस ने इसको कैसे सिद्ध किया था कि दो भुजाओं का योगफल का वर्ग या इसके वर्ग के बराबर होता है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसको आप, यही बताना था मुझे आपको कि कैसे आप जानेंगे कि त्रिभुज संभव है कि नहीं। तो बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजाओं की योगफल से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें कि त्रिभुज बनेगा, यह तो बनेगा, लेकिन यह देखें बने 5, 3, 12 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बड़ी भुजा का मान 12 है और दो छोटी भुजाओं का मान क्या है, 5, 3 का मान 8 है, तो इससे यह हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यह तो छोटा हो गया, तो यह कह सकते हैं कि यह नहीं बन सकता है त्रिभुज। एक और भी ले लेते हैं आपको समझने के लिए कि यह बनेगा कि नहीं, आप बताएं। यह जैसे मैंने लिया 4, 7 और इसके बाद 13, मैंने एक मान लिया है 4, 7, 13 और एक मैंने लिया है 5, 12, 13, दो मैंने लिया। अब इसमें आपको बताना है कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखिए, बड़ी भुजा का मान दो छोटी भुजाओं के योगफल से छोटा होता है, तो बड़ी भुजा का मान 13 है और 4, 7, 11 हो जाएगा, तो 11 तो 13 से छोटा हो गया, तो कहाँ बनेगा, बड़ा होना चाहिए था, तो यह त्रिभुज नहीं बनेगा। इसमें देखें कि 7, 5 और इसके बाद 12 कितना हो गया, 17 हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मान यह जो है होगा, यह भी समकोण त्रिभुज बनेगा, इसका मान देखिए आपका बड़ा पा रहे बनेगा। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप इसको देख लीजिएगा। अब एक एक करके हम लोग देखते चलें, एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ते चलेंगे कैसे कैसे करना है। आइए हम लोग एक एक करके देखते चलें त्रिभुज में, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते चलें। जैसे मैं पहला त्रिभुज के बारे में लेता हूं, वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। परीक्षा में आपसे समकोण के बारे में जरूर पूछता है समकोण त्रिभुज, तो इसका पहले हम एक ड्रा करते हैं त्रिभुज को, इसका नामकरण भी कर लेते हैं ABC और समकोण त्रिभुज। पुनः इसकी परिभाषा के बारे में हम आ जाएं, समकोण पढ़ रहे हैं तो अलग से, कि जिस त्रिभुज का, या कोणों के आधार पर मैंने लिया है, कोण है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि कोणों के आधार पर इसको छांटा गया होगा। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे, यह कितना है, यह 90 अंश है, यह परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे यह 90 अंश है, तो इसको कह सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस का नियम है जो 600 ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ने इसको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले तो इसका नामकरण हमने किया है तो हम जाने कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आधार कहते हैं। नीचे जिस पे कोई चीज़ खड़ा है उसी को तो आधार कहेंगे, जिस चीज़ पे कोई चीज़ खड़ा है। तो देखिए ए बी भुजा और ए सी इस बी सी पे खड़ी है, तो बी सी क्या हो गया, आधार। तो आप जान सकते हैं कि आधार क्या है, आधार को आप लोग लिख सकते हैं कि आधार बराबर बी सी है। बी सी क्या है, आधार है। और इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और कर्ण बराबर हम समझ सकते हैं कि ए सी है। इसको कह सकते हैं लंब खड़ा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि लंब है, लंब। और लंब क्या होगा, ए बी, लंब ए बी होगा। अब इसको देखा पाइथागोरस ने, इसकी बहुत बड़ी कहानी है कि यह कैसे हो गया। तो इसको पाइथागोरस ने इसको देखा तो एक थ्योरम दिया जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस की प्रमेय जो दिया उसने, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप पाइथागोरस प्रमेय क्या दिया है उसने कि कर्ण का स्क्वायर, या जो कर्ण था, इसने दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो आप इसे एक फार्मूला बना सकते हैं कि जहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी, मैंने लिखा है यहाँ पे ए सी, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर, देखिए आधार क्या है, बी सी, तो इसको लिख सकते हैं कि बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। यह देखिए फार्मूला बन गया। अब जहाँ पे इस तीनों में से कोई दो मान दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे बी सी पूछे तो इसको इसमें घटा दीजिए, अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर हो सकता है ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। आपसे यह भी कोई पूछ सकता है कि ए बी का स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो सकता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यह देखिए अलग अलग फार्मूले भी आपके मिल गए, यह सभी अलग अलग फार्मूला आपने पाया, और इन्हीं के आधार पे सवाल लगाना है। तो त्रिक नियम होता है, त्रिक नियम का मतलब जिसमें तीन संख्याएं होती हैं और वह समकोण को फॉलो करती हैं, तो वह त्रिक नियम होता है। इसके बारे में याज्ञवल्क जी ने भी अब यज्ञों में बताया था कि कैसे कैसे त्रिक रेखाएं खींची जाती थी। तमाम ऋषि मुनि इसी समकोण को खींचा करते थे। पाइथागोरस के पहले भी इस समकोण को बताने वाले हमारे ऋषि हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से कह सकते हैं इसे जो बहुत ज़्यादा इसका प्रसिद्धि मिली तो पाइथागोरस के नाम से मिली। पाइथागोरस से भी पहले हमारे यहाँ इसको बताने वाले ऋषि महर्षि थे। अब देखते हैं कि त्रिक नियम क्या है। त्रिक नियम का मतलब यह होता है कि तीन संख्याएं हों जो फॉलो करती हैं पाइथागोरस को। देखिए कैसे होगा, अब मैंने लिया त्रिक संख्या, लिया मैंने एक 3, 4, 5, तो यहाँ पे तो यही होगा कि सबसे बड़ी संख्या, एक समकोण बनाएं कि जिसमें सबसे बड़ी संख्या कर्ण होती है, सबसे छोटी संख्या आधार होती है, और बीच वाले जो संख्या होती है वह होती है लंब। तो यहाँ पे सबका मान रख दिया जाए तो क्या यह सही है, यह समकोण त्रिभुज को फॉलो कर रहा है त्रिक 3, 4, 5। तो देखें तो इसमें अगर हमने एक समकोण बना लिया और समकोण बनाने के बाद सबसे छोटी भुजा यहाँ पे रखा, सबसे बड़ी 5 यहाँ रखा और 4 यहाँ पे रखे, देखिए क्या यह समकोण को फॉलो करता है। तो देखें तो कह रहा है कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन 4 का स्क्वायर। तो देखिए 5 5 हो गया 25, अब इसके बाद 3 3 9 और 4 4 16, तो देखिए 16 9 भी 25 हो जाता है और इधर 25 है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 3 4 5 से समकोण बन जाएगा, और जब 3 4 5 से समकोण बन जाता है
तो इसी रूप में वह आगे बढ़ने लगता है और बढ़ के देखिए फिर कैसे चला जाता है, समकोण बनता है। इस त्रिक नियम से कोई संख्या और भी हम ले सकते हैं। अब इसमें मैंने दो का गुणा कर दूं तो 3 × 6, 4 × 8, तो हमेशा यह कितना होगा, 10 ही होगा। जैसे देखें एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यह देखें कि यह समकोण त्रिभुज है, सबसे छोटी भुजा 6 है और इसका लंब दे दिया 8, तो बताइए कि यह कितना है, कैसे समझेंगे हम। अब इसको समझना हो अगर तो यहाँ पे देखें कि सबसे छोटी भुजा यहाँ भी 3 थी, तो 3 × 6 किया है और 8 कैसे किया है, 4 × 8 किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका कर्ण होगा 5 × 10 ही होगा। और कैसे होगा हम इसको करके दिखा दें। तो देखिए कर्ण बराबर, यहाँ पे हम सूत्र से चलें अगर, तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर की बात करते हैं तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण नहीं दिया है, अगर इसका नाम ए बी सी रख देते हैं यहाँ पे, तो हमको ए सी निकालना है, तो इसको हम निकाल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, 6 × 8 का, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 और 8 = 64, तो इसको कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर 36 और 64 100 हो जाएगा। ऐसे ए सी स्क्वायर बराबर 36 = 64, तो ए सी बराबर आपको वर्गमूल भी मैं बता चुका हूँ, तो आप अब आराम से लगा सकते हैं ऐसे कर्ड़ी में, और कर्ड़ी में 100 का मान अर्थात वर्गमूल 10 होता है, तो ए सी बराबर लिख सकते हैं 10। तो देखे आप लोगों ने कि मैंने ए सी का मान कैसे 10 निकाल दिया, इस नियम से भी लगा सकते हैं और ऐसे भी अगर त्रिक नियम में दिया है तो ऐसे भी लगा सकते हैं। दूसरा त्रिक नियम एक ले लेते हैं हम लोग, कि दूसरा क्या होता है त्रिक नियम, त्रिक संख्याएं जो समकोण को फॉलो करती हैं वह क्या होती हैं आपको देखना है। वह संख्याएं क्या है, 5 है कोई, मैंने लिया 5, 12 लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 13। जैसे कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पे मैंने बनाया है ऐसे ऐसे, और इसमें मैंने दे दिया कि छोटी यहाँ पे आधार 5 है, लंब ऐसे 12 दे दिया, और यहाँ पे इसका मान बताइए क्या होगा। तो देखिएगा ये अभी 5, 12, 13 के रूप में होती हैं त्रिक संख्याएं, तो जब यह 5 है या 12 है तो 13 आना चाहिए कर्ण को, तो कैसे होगा, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण है ना, तो कर्ण का स्क्वायर लिखें हम, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर, 5 का 25 हो जाता है, 12 का होता है कितना, 144, तो 25 और 144 हो जाएगा 169। तो आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किसका आप कर लेंगे वर्गमूल, तो बराबर हो जाएगा 13। और जब 13 हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिखा है कि जब किसी समकोण त्रिभुज की अगर एक भुजा 5 हो और दूसरी भुजा 12 हो, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, वह 13 होती है। यह त्रिक नियम को फॉलो करता है। हम इसको अगर ऐसे भी कर देते हैं अगर, तो भी त्रिक नियम को फॉलो करता है। अगर 3 का गुणा कर दें, 5 × 3 = 15 अगर हो जाए और 12 × 36 हो जाए, तो 13 × 39 भी होगा। यह भी त्रिक नियम को देखिए फॉलो करेगा। तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल लेते हैं हम, कि जो आधार लंब या कुछ भी आपको बताना पड़े तो कैसे बता सकते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज मैंने लिया, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मैंने एक समकोण त्रिभुज ऐसे लिया है और इस समकोण त्रिभुज का मैंने नामकरण किया ए बी सी, और इसमें से हमने दिया है यहाँ पे 50, देखिए मैंने 50 लिख दिया और इसको मैंने 30 लिख दिया, यह पूछा कि बताओ यह क्या होगा। तो यह देखिए लंब को पूछ रहा, या इसी को दे देता अगर 40 तो यह क्या होता। तो अगर हम कैसे लगा सकते हैं, तो यह ए बी क्या है, मेरा लंब है, तो हम लोगों ने देखा है फार्मूला कि ए बी का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर नहीं भी अगर आपको फार्मूला याद है तो यह वाला तो एकदम याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। अब कर्ण के जो स्क्वायर होगा यहाँ पे 50, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 30 है यहाँ पे, 30 का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब इसको इधर लेके चले आइए तो हो जाएगा 2500 - 900 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। तो 2500 में से 900 जाएगा तो बचेगा 1600। अब देखिए 1600 बचा बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर आप कर सकते हैं लंब बराबर √1600। आज जब 1600 करेंगे तो इसका हो जाएगा 40। तो आपने देखा कि लंब बराबर 40,
तो आप इसको कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ए भी बराबर हो जाएगा 40। तो बड़े ही आसानी से आप लगा सकते हैं इसके किसी भी, अगर तीन भुजाओं में से अगर दो भुजाओं को दिया है तो तीसरी भुजा बड़े ही आसानी ढंग से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके क्षेत्रफल पर बात करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है समकोण त्रिभुज के, पार्टिकुलर समकोण त्रिभुज पे। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात अगर करें तो क्षेत्रफल की जब एरिया की इसके बात करते हैं समकोण त्रिभुज के, एक मैंने त्रिभुज यहाँ पे ऐसे लिया है और यह 6 है, यह 8 है, यह कितना है 10 है, और नामकरण इसका मैंने किया ABC। तो इसका पूछा है का क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे सवाल देगा एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपने क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो समकोण त्रिभुज का एक तो पार्टिकुलर सूत्र होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वह सूत्र होता है कि अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि समकोण, इस समकोण का निशान होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 1/2 आधार होता है आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार, इसको लिख सकते हैं आधार गुणे लंब। आस बना के सुनना का मतलब मैंने आधार लिखा है आधार गुणे लंब, तो आप लगाएं इसे आपका 1/2 होगा, आधार कितना है 6 है, लंब कितना है 8 है, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 24 हो जाएगा, और यह किसमें दिया रहेगा जब भी सेंटीमीटर में अगर दिए हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर कर देंगे, ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है आप जानते हैं। तो देखा आपने कि अगर किसी त्रिभुज में अगर यह दोनों दे दिया जाता तो इसको आप निकालते फिर इसके बाद आप मान रखते तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आप आराम से लगा सकते हैं। फिर देखते हैं अगर कि अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक नियम से और भी लगा सकते हैं, देखिए आपने कि 24 आया है तो दूसरा नियम भी होता है लगाने का कि जैसे अगर तीन भुजाएं मालूम हो तो वह हीरोन का सूत्र था कि उसने एक सूत्र दिया था कि 2S बराबर ऐसे दिया था, 2S बराबर दिया था कि A+B+C था, तो इसको हम कह सकते हैं कि A+B+C/2 कर सकते हैं, हीरोन का फार्मूला था या हीरोन था वह, हीरोन का फार्मूला है कि 2S बराबर A+B+C किसी भी त्रिभुज की परिमिति अर्थात उसके चारों तरफ से भुजाओं का मान जो होता है 2S बराबर होता है A+B+C, जहाँ S बराबर AB+C, जहाँ पे ABC भुजाओं को डिनोट किया है मैंने। अब इसके बाद यह इसका क्षेत्रफल एरिया निकाला था, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वह था कि √S-A और S-B था और S-C था। तो प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि हीरोन का जो फार्मूला था वह किसी भी त्रिभुज तीन कोणों के आधार पर और तीन भुजाओं के आधार पर था, वह 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की अगर तीनों भुजाएं दी गया है तो इस सूत्र से तीनों भुजाएं मालूम होने के बाद आप इससे बड़े ही आराम से इससे भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। लेकिन अलग अलग गणितज्ञों ने अलग अलग त्रिभुज का भी कुछ फार्मूला बनाए हैं, जैसे समबाहु का एकड़ी में 3/4 A² अभी पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समकोण का इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी ढंग से, अगर आपको तीनों भुजाएं दिया है चाहे दो भुजाएं दिया है तीसरा भी निकाल के लगा सकते हैं। और अगर इससे लगाना हो तो आपको मैंने दिया था जो फार्मूला अभी 6, 8 ऐसे मैंने त्रिभुज बनाया था और जिसमें या 6 था या 8 था या 10 था, तो अगर इस तरह से लगाना पड़े तो कैसे लगाएंगे एक हम आपको दिखा देते हैं, फिर आप लोग लगाते रहिएगा। जैसे त्रिभुज तीनों भुजाएं हैं तो तीनों भुजाएं क्या है आप जोड़िएगा, यहाँ पे S बराबर क्या लिख सकते हैं आप कि तीनों भुजाओं का मान लिखिए कि 6+8+10/2 कर लीजिए, तो 8, 6, 14 और इसके बाद 10 कितना होगा 28 हो जाएगा, और 28 में से अगर 2 जाएगा भाग दे देंगे 2 का तो यह हो जाएगा 14। यह देख रहे हैं कि मान आ गया 14, यस का मान आ गया 14। अब इसके बाद इस फार्मूले में मान रखेंगे और हमारा आंसर आना शुरू होगा। तो देखिए कैसे हम शुरू करते हैं इस फार्मूले को लगाना, तो देखिए मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे यस का मान कितना है देखिए, यहाँ पे लगाते हैं हम, यस का मान हमारा 14 आ गया।
तो लिख दीजिए 14, या इसको हम यहाँ न लगाकर इसके नीचे ही लगाते हैं। यह तो आपने देखा कि यस का मान मैंने कैसे लगाया, तो यस बराबर 14 आ गया, तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चाहे यहाँ पे ही लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे यस का मान आ गया 14, और यस का मान है 14, 14 में से कोई एक 6 घटाइए, दिया था ना यह ऐसे, सवाल मत भूलिएगा, यह 6 है या 8 है या 10 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 6, फिर हो जाएगा 14 माइनस 8, दूसरा हो जाएगा 14 माइनस 10। तो देखिए 14 गुणे 8, 6, 14 होता है 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इसका गुणा करना बहुत बहादुरी की बात नहीं है, आपको करना क्या होगा कि खंड कर लीजिए छोटा छोटा, और जहाँ पे 2 जोड़ा बनेगा वहाँ पे आप निकाल दीजिए, आपका बड़े ही आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम खंड करते हैं, तो इसका जब खंड करेंगे तो देखिए कैसे खंड कर सकते हैं इसका, हम बड़े ही आसानी ढंग से वर्गमूल इसका चाहते तो आप गुणा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है। तो 14 को हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 7, 7 दूना के 14। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाएगा। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6। और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम बराबर, सॉरी यहाँ पे 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। देखिए पुनः समझ लेंगे कि मैंने 14 को कैसे लिखा, 2 गुणे 7 लिखा मैंने 14 को। 8 को मैंने क्या लिखा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 लिखा। फिर 6 को मैंने क्या लिखा, 2 3 6। फिर 4 को मैं 2 दूना के 4। और आप जानते हैं कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है करणी से, तो बनाइए जोड़ा कि देखते हैं कि क्या इसका जोड़ा बन रहा है, तो बनाइए जोड़ा। तो इसमें हम देखते हैं, अब देखते हैं कि इसका अब जितना आएगा क्षेत्रफल आप आंसर कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं कि जोड़ा बनाते हैं, 7 है तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है। तो आप इसको देख सकते हैं कि 8, 6, 14 और 14, 10, 24 होगा, यहाँ पे 28 लिख दिया गया, यहाँ पे इसलिए जोड़ा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 8, 6, 14 और 10, 24 होना चाहिए था, यहाँ पर गलत हो गया। तो 8, 6, 14, 10, 24 यहाँ पे 24 कर लीजिए बाई 2, यही गलत हो गया है। तो जब गलत हो गया तो नहीं आ पाएगा, देखिए 12 होगा, यस का मान 12 होगा, जितना सब बदला है उसको बदलना पड़ेगा मान अब। तो देखिए कर लीजिए आप, ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया, अंडर रूट था 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, फिर 12 माइनस 10, ऐसे कर लेंगे तो यह हो जाएगा 12 गुणे 6, अब हो जाएगा यह 12 गुणे 6, 8 4 12, 4 यह हो जाएगा 2। इसका अभी खंड कर लीजिए आप, 12 करेंगे 2 दूना के 4 3 12, 6 का करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 4 का करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 ही हो जाएगा। जो जो इसमें जोड़ा बने उसको बाहर निकालिए, तो देखिए यह जोड़ा बन गया, इसको बाहर कर लीजिए ऐसे 2, यह भी जोड़ा बन गया इसको भी बाहर कर लीजिए 3, फिर यह और यह जोड़ा बन गए इसको बाहर निकालिए, फिर यह जोड़ा बन गया इसको बाहर निकालिए, देखिए 2 3 6 और 4 24। आप ऐसे भी देखिए इसके बराबर हो रहा है, यह चाहे उस तरह से निकालिए चाहे से इस तरह से निकालिए आपका दोनों मान आएगा। लेकिन इतना बड़ा परीक्षा में नहीं करना है, अगर समकोण से आया तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बड़ा ही आसान है, अगर जब उसका लंब और आधार मालूम हो तो 2 का भाग दे के हम निकाल सकते हैं, ठीक, और कर्ण दिया है तो लंब को पता करके आधार से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक, धन्यवाद।